एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलिमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़े। एकांत महादेश में एक जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।